दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों से रिलेटेड 6 बड़े अपडेट के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में लॉकडाउन का स्थिति अभी भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहने वाली है, जो कि 14 अप्रैल 2020 तक अभी जो है नरेंद्र मोदी द्वारा ये बताया गया है कि लॉकडाउन का स्थिति बरकरार रहेगा। अब इसमें जो है बहुत लोगों को दिक्कत भी आ रही होगी क्योंकि अभी घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन होता है ना कि जान है तो जहान है, अगर जान बची रहेगी तो बहुत जो है बुरा वक्त आएगा और बहुत अच्छे वक्त भी आएंगे। इसलिए मैं आप सभी से सबसे पहले निवेदन करता हूं कि अभी आप लोग घर में ही रहें, हम सभी जो है घर में ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई विशेष परिस्थिति या फिर इमरजेंसी या मेडिकल पर्पज से निकलना हो तभी हम सभी घर से बाहर निकल सकती हैं। यहां पर हम 6 बड़े अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आपके लिए ये 6 बड़े अपडेट बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह अपडेट किया गया है और 6 बड़े घोषणा किया गया है। यहां पर सबसे बड़ा अपडेट आया है, किसी भी बैंक के कार्ड से आप किसी भी ATM में जाकर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपसे अगले 3 महीने तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर यह सबसे बड़ा अपडेट है। आमतौर पर हम सभी को पता था कि अगर आप किसी भी बैंक के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर तो आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन या फिर 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलता था। लेकिन अब जो है आप किसी भी बैंक के ATM कार्ड को ले जाकर किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉ करेंगे तो अगले 3 महीने तक आपको इस पर कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। वहीं आपको मैं बता दूं कि दूसरे बड़े अपडेट आया है, नो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड की। यानी कि हाल ही में SBI की तरफ से ये घोषणा किया गया कि अब आपको सेविंग अकाउंट पर कोई भी महीने का बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये अपडेट आया है कि अगले 3 महीने तक आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस रख के चलने की जरूरत नहीं होगा। साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये आया है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 आयकर रिटर्न यानी ITR की तारीख जो है बढ़ाकर 30 जून किया गया है। इससे पहले मार्च महीने तक था लेकिन अब जो है इसका डेट बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। यहीं पर चौथे बड़े अपडेट ये है कि आप लोगों को पता होगा कि देर से भुगतान के लिए ब्याज दर जो है 12% तक लिया जाता था आपसे, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। अब आपको 9% ही देना पड़ेगा। जो आप यहां पर ITR फाइल करोगे, जो भी इनकम टैक्स भरोगे उस पर आपको डिले चार्ज यानी कि देर से भुगतान करने पर जो चार्ज लगती थी वो 12% लगती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 9% तक किया गया है। वही पांचवां सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने का आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2020 था, जो कि इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। यदि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो 30 जून 2020 तक आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जरूर लिंक कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपको छठे और आखिरी अपडेट के बारे में बता देते हैं। TDS जमा करने में देर के लिए आपको दंड ब्याज दर 18% लगता था, जिसे घटाकर अब 9% किया गया है। ये सारे अपडेट जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये सारा कुछ कर दिया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से यही अपडेट आया, जो कि 6 बड़े अपडेट आए हैं। सबसे बड़ा अपडेट इसमें यह कहा जा सकता है कि किसी भी बैंक के ATM कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर कैश विड्रॉ करेंगे तो आपसे इस पर अब चार्ज नहीं लिया जाएगा। वही बड़ा अपडेट ये है, मंथली एवरेज बैलेंस अब आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये अपडेट आया है कि अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है फिर भी अभी जो है फिलहाल में आपसे कोई भी चार्ज नहीं वसूले जाएंगे। आगे चलकर जो है यहाँ पर फिर से अगर मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत आई तब तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब तक लॉकडाउन का स्थिति भारत में बना हुआ है और भारत में जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाता है तब तक ये सारा फैसिलिटी आप लोगों को मिलता रहेगा।
तो इस वीडियो में सारा अपडेट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अपडेट और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो बेहिचक कमेंट करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।